एक अमर किरदार को ये निभाते हैं। दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ इस मंच पे स्वागत करना चाहूंगी नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का। बहुत बहुत स्वागत है नवाज भाई। तो आपके लिए, जैसा मैंने कहा कि हर किरदार जब आप उसका रोल निभाते हैं तो उसको अमर कर देते हैं, और अब इस अमर किरदार को आप निभा रहे हैं, तो क्या भावना रही है और आपकी, और क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो नमस्कार सबको, और थैंक यू राव साहब। पहली बार जब मैंने ये न्यूज़ सुनी और ये कि ये रोल मैं कर रहा हूँ, और मुझे यकीन नहीं हुआ अपने अपने आप पे। फिर हम लोग नीचे गए, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे तो उसके नीचे गए, और मेरी लाइफ का आई थिंक सबसे ग्रेट मोमेंट था वो। हम लोग तीन साथ में थे, मैं, ब्रदर और मेरा अनूप। तो मेरी खुशी वो उनको मालूम होगा कि कितना खुश हुआ था मैं, और क्योंकि इसलिए खुशी हुई कि आई थिंक मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग रोल था। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इतना और जैसे जैसे टाइम आता गया कि मैं नर्वस होता गया, क्योंकि मैं किस तरीके से कर पाऊँगा ये रोल, कैसे करूँगा। आई थिंक और वो सारी जो मेरी परेशानी, जो मेरे साथ मिलके मुझे सपोर्ट किया, वो अभिजीत ने, और फिल्म के दौरान भी जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने बहुत ही ईज़ करते चले गए मुझे, और एक कॉन्फिडेंस देते चले गए, जिसके वजह से ये पॉसिबल हुआ। मैं बस यही कहना चाहूँगा, बहुत बड़ी बात है कि मुझ जैसे एक्टर को ये कैरेक्टर मिले, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। थैंक्स टू उद्धव जी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, राव साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, और मैंने कोशिश की है कि मैं इसको अप टू द मार्क करूँ, क्योंकि बाड़ा साहब की जो पर्सनैलिटी है वो इतनी वास्ट है, इतनी बड़ी है, कि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं वहाँ तक पहुँचने में, और वो चंद ही लम्हों में आपको एक उसका छोटा सा एक ग्लिम्सेस कुछ दिखाई देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए अब आपको उनसे मिलवाते हैं जिन्होंने बहुत ही एक अहम किरदार निभाया है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा किरदार जिनके बिना बाला साहेब का जीवन बिल्कुल अधूरा होता। वो उनकी अर्धांगनी, उनकी पत्नी, और आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं मीताताई ठाकरे की बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, आइए स्वागत करते हैं यहाँ पर स्टेज पर हमारी अदाकारा अमृता राव जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अमृता जी, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि हमारे जो स्पीचेस हुए हैं उसके दौरान, जैसा कि राउत साहब ने कहा कि ना कोई रेफरेंस था, कहीं हम बहुत ज़्यादा जानते नहीं थे, हम उनकी स्पीचेस नहीं थी, तो किस कितना कठिन था आपके लिए, और किस तरीके से आपने इस किरदार को निभाया, और क्या कोशिश रही आपकी, और किस तरीके का होमवर्क रहा आपका? सगळ्यांना माझा नमस्कार आणि मीडियाला पण थँक यू टू बी हियर विथ अस ऑन सच अ बिग डे। बिल्कुल सही बोला आपने, माँ साहेब का कोई रेफरेंस नहीं था, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैंने एक बार सोचा भी कि आपसे रश्मि जी या उद्धव जी से क्या मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, क्या पता करना चाहिए कि वो कैसी थी, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी। पर मैंने फिर अपना कुछ रिसर्च किया, देखते हैं। और ऑफ कोर्स यू नो, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू थैंक माय डायरेक्टर अभिजीत पांडे सर, रोहन मापुस्कर, एंड ऑफ कोर्स संजय राउत जी, उद्धव जी, रश्मि जी। दिस इज़ जस्ट नॉट कास्टिंग, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जब ऐसा रोल आता है, ये एक सम्मान है, और ये मुझे मिला है, ये बहुत गर्व की बात है। थैंक यू सो मच। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों को हमारा काम पसंद आए। जैसे कि सब ने कहा है, ये आसान नहीं है कि इतने बड़े शख्स पे आप एक फिल्म बना रहे हो, वो भी 2-2.5 घंटे की फिल्म, आसान नहीं है। हमारी कोशिश रही है,
और आपका साथ मिले तो हमें सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू अमृता, यू डूइंग अ लवली जॉब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जितने भी लोग स्टेज पे मौजूद हैं, उद्धव जी, संजय जी, नवाज साहब, अमृता जी, बहुत बहुत बधाई है आपको। ट्रेलर देख के ही रंगटे खड़े होते हैं और महसूस होता है कि हम उस वक्त में पहुंच गए। संजय जी सही हो, संजय सही हो, संजय सही हो, ऑन योर लेफ्ट। कोई बात नहीं, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। बहुत बहुत मुबारक आप सबको, ट्रेलर बहुत अमेजिंग है। देखते ही रंगटे खड़े होते हैं और महसूस होता है कि हम उस वक्त में पहुंच गए। संजय जी, आपसे मेरा पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्या चैलेंज था आपके लिए कास्टिंग? जैसे बहुत लोगों ने कहा स्टेज पे कि बड़ा मुश्किल था लोगों को लाना, और वो कौन डायरेक्टर जिसने आपको कहा? मैं आपका समझा नहीं, क्या नहीं, मैं आप पूछता हूँ कास्टिंग का। जी, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं नवाज साहब का कास्टिंग 2 मिनट में किया है। नवाज साहब जो मुख्य भूमिका में है वो तो बहुत चैलेंजिंग रहा। उससे पहले भी जब नवाज साहब का कास्टिंग हो रहा था तो हमारे सामने बहुत से नाम आ रहे थे, बड़े बड़े एक्टर सुपरस्टार्स हैं, लेकिन उनके साथ शूटिंग भी हो रही थी, लेकिन उसमें बाला साहब नहीं मुझे दिख रहे थे। तो मैंने नवाज साहब को बताया कि आपका कास्टिंग कैसा हुआ है। उनकी एक फिल्म थी, मैं जब एक बार फ्लाइट से जा रहा था तो सामने स्क्रीन पर फिल्में लगती है, वो फिल्म मैंने पहले भी देखी थी, लेकिन वो फिल्म थी फ्रेकी अली फिल्म है। फ्रेकी अली जो एक गोल्फ प्लेयर के ऊपर एक फिल्म है। मैं एक बार वापस देखने लगा और मुझे लगा कि ये जो चेहरा है नवाज साहब का, उसको अगर हम कंप्यूटर में थोड़ा दाढ़ी बीड़ी लगा के हमने देख लिया, मैंने और अभिजीत ने और सब ने, तो लगा ये बाला साहब ठाकरे तो बन सकते हैं, लेकिन उनके चाल में ज़रा देखना उनकी चाल कैसी है। तो जब वो गोल्फ के वो मैदान से चलते हैं अपने स्टाइल में, वो पूरा किट लेकर, तो मैंने ये चाल में भी दम है उनके। उनको एक बार मैंने बुलाया ताज लैंडस्टैंड में, और मैं उनका चेहरों को नहीं देख रहा था, वो कैसे चल रहे हैं, उनकी स्टाइल क्या है चलने की, वो मैं देख रहा था। 2 मिनट में उनको बोल दिया कि आप, मैं ठाकरे फिल्म बना रहे हैं और आप बाला साहब ठाकरे हैं। ये 2 मिनट की कास्टिंग है। जैसे हमारे डायरेक्टर जी है अभिजीत पान से, उनको भी कहा कि आपको हमको ठाकरे बनाना है और आपको डायरेक्शन करना है। ये हम जो कास्टिंग का जो एक चलता है ना, यहाँ कोई कास्टिंग काउच नहीं हुआ है ना जेंट्स ना लेडीज, ये एक एक मिनट में हमने कास्टिंग कर दिया है। बस ये माँ साहब है, ये कोई दत्ताजी साळवी है, या हमने हमारे दिमाग में पूरे कास्ट फिट थे, हमने कर दिया। हमको बाला साहब को दिखाना है और उनका माहौल दिखाना है। मुझे लगता है हम थोड़े बहुत उसमें कोशिश की है, अभी आपके ऊपर है। यकीनन आप कोशिश में कामयाब रहे संजय जी। मैं नवाज से जानना चाहूँगा, नवाज, जब हम बाला साहब की बात करते हैं तो सरकार राज और सरकार फिल्म याद आती है जो अमिताभ बच्चन साहब ने की थी, और अगर हम उन फिल्मों को याद करें तो जहन में ये आता है कि बाला साहब इस तरह से ड्रेसअप होते थे, इस तरह से रहते थे, लेकिन आप लुक की अगर हम बात करें तो आपको देख के कहीं भी महसूस नहीं होता कि हम बाला साहब को नहीं देख रहे हैं। क्या आपको लगता है ठाकरे से आप बच्चन साहब ने जो किया उसको ओवरशैडो कर देंगे? देखिए, ओवरशैडो तो कोई किसी को नहीं करता, हर आदमी का अपना एक तरीका होता है, मेथड होता है करने का। दूसरी बात यह है कि लुक की अगर जहाँ तक आप बात कर रहे हैं वो बहुत मोस्टली डिपेंड करता है मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर। तो मैं अपना श्रेय मेकअप आर्टिस्ट को नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर जो हम लोगों ने मेहनत की है, और जैसे राव साहब ने बताया कि वो कैसे चलते थे, वो कैसे बातें करते थे, मैनरिज्म, उनका थॉट प्रोसेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए मेहनत लगती है। लुक तो आप, अगर मैं आपको, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मैं आपको 2 मिनट में आपको सेम लुक दे दूँ, वो इट इज़ नॉट माई, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें लुक में। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज थॉट प्रोसेस, उस वक्त पे जो मोमेंट में बाला साहब हैं और वो क्या सोच रहे होंगे, वो अचीव करना, वो जैसे मैंने बताया वो उसकी कोशिश की जा सकती है, वो हमने की और उसके लिए बहुत मेहनत की। नमस्कार, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, छोटी छोटी बातें होती है। जैसे मैं शूटिंग में तो बहुत कम जाता था, लेकिन पीछे से देखता था हमेशा क्या चल रहा है स्क्रीन पे। हॉर्निमन सर्कल में शूटिंग चल रहा था, जो आपने देखा ट्राम में बाला साहब बैठकर जा रहे हैं ट्राम में,
और बीच में अंदरों एक गली से भी चल रहे, तो मैंने अचानक देखा कि यार बाला साहब के गले में झोला है। मैंने बोला ये बाला साहब कभी झोला फोला लेकर नहीं घूमते थे, निकाल दो पहला। ये ऐसी छोटी छोटी जो बातें हैं उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी अचानक से, क्योंकि सांप को जिसने देखा है उसको ये समझता है कि ये नहीं है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता था। तो ये छोटी छोटी बात भी हमने, बाला साहब नहीं ये इस प्रकार की चप्पल नहीं पहनते थे या उस प्रकार की शर्ट नहीं था उनका, वो तो हो गया बाद में, ठीक है। सर उदय जाधव, पहला प्रश्न साहिबानाच आहे, उद्धव साहिबांना, तुम्हाला ट्रेलर कसा वाटला आणि ह्या सिनेमाबद्दल तुम्ही काही सूचना दिल्या होतात का की सिनेमा हा असा बनला पाहिजे? पहिलं म्हणजे मला कसा वाटला याच्यापेक्षा तुम्हाला सगळ्यांना कसा वाटला, याचं कारण चित्रपट मी एकटा नाही बघणार, संपूर्ण देशच नव्हे तर मी मगाशी सांगितलं की हा चित्रपट जगभर गेला पाहिजे, आणि तो जगभर तेव्हाच जाऊ शकतो की ज्या वेळेला त्याच्यात काहीतरी दम असतो, आणि मला असं वाटतं या चित्रपटात नक्कीच दम आहे, नक्कीच दम आहे। अतिशय नुसत्या मेहनतीला पण अर्थ नसतो, जीव ओतून मेहनत करावी लागते। जसं नवाज भाई आपने कहा की मेकअप आर्टिस्ट तो मेकअप कर लेगा, पण जोपर्यंत त्याच्यामध्ये कलाकार आपला जीव ओतत नाही तोपर्यंत ते व्यक्तिमत्व उभं नाही राहू शकत, आणि मला असं वाटतं अतिशय मेहनतीने जीव तोडून जीव ओतून सगळ्यांनी काम केलेलं आहे। नमस्कार, मैं रेखा खान, नव भारत टाइम से। मेरे दो तीन सवाल हैं। सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, बहुत ही सुपर फैंटास्टिक ट्रेलर है और मैं कह सकती हूँ कि ट्रेलर तो ऐसा है तो फिल्म अभी बाकी है, तो बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले नवाज़, मैं बहुत आपको अभिनंदन कहना चाहूँगी और मेरा सवाल आपसे ये है कि ये एक बहुत ही, हम सभी जानते हैं कि बाला साहब बहुत ही एक बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे और उनके बहुत सारे रंग थे, उनके बहुत सारे पहलू थे। आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सा पहलू रहा? क्योंकि जाहिर है वो एक इतने बड़े नेता थे, पिता थे, पति थे, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा कौन सा पहलू जीना उनके लिए मुश्किल था? देखिए, उनका तो कोई भी पहलू बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, है ना, उसको निभाना। और स्पेशली जो इनकी स्पीचेस थी, जो ईज़ था उनके पास, टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो जो ईज़ था उनके पास बात करने का, और जो वो उनकी स्पीचेस जैसे आजकल देखा जाता वैसी नहीं थी, बहुत ही कन्वर्सेशनल होती थी, जैसे बात कर रहे हो, जैसे मेरे पास ऑडियंस को ऐसा फील होता होगा उस वक्त पे कि जैसे उनके पास बैठ के उनकी बातें सुन रहे, उनकी उनको उनको बोल रहे हैं वो, कुछ उसको महसूस होता था, ऑडियंस को महसूस होता था, तो वो बातें करते थे, वो स्पीच नहीं होती थी उनकी। तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क था एक्चुअली कि जब वो स्पीचेस हों, एक ईज़ हो और वो बिल्कुल लाइक कन्वर्सेशनल हो। और भी लाइक जैसे सबसे बड़ी बात यह होती कि आप जो कनेक्शन, उनका जो कनेक्शन था लोगों के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट था और वो हमने कोशिश की है